हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। आज दीदी का कुछ अलग ही काम चल रहा है और कपड़े सुखाने में लगी हुई हैं। देखिए कितना सामान फैला हुआ है पूरा रूम। आज हमारे घर में बहुत सारा सामान फैला लिया हमने, जो बैग ही बैग दिख रहे होंगे पूरे रूम में। ये तो अचानक रखा हुआ है, बाकी ये जो बैग है ना, प्रधान के चाचू एंड चाची के बैग रखे हुए हैं, सो इनमें रखा हुआ है सामान जो हमें बाहर मतलब धूप में डाला है सुखाने के लिए। सो सुबह से ही हम इस काम में लग गए हैं, बस नाश्ता वगैरह कर लिया, बाकी इस काम में लग गए हैं। ये सारे कपड़े हमको धूप में डाले सुखाने के लिए। और उदास चला गया है स्कूल, हम लोगों ने सोचा अभी हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, तो हम लोग ये काम को कर लेंगे। सो अच्छा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाएगी, हम दोनों जाएंगे कपड़े डालेंगे सूखने के लिए। एंड दो तीन बैग हैं जिनमें कपड़े रखे हुए हैं, जो हमें सारे सूखने के लिए डालना। सो लग जाते हैं आज काम पे, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग भी एंड तक, क्या क्या होगा वो अच्छा बताएगी। और बाकी के बने रही ब्लॉग में तो बहुत सारी चीजें, कपड़े सुखाएंगे और फिर से रखेंगे उसको फिर से रखेंगे। और जिस दिन कपड़े वपड़े का काम देके बैठ जाओ तो दिन भर यही चलता रहता है। कपड़े कपड़े निकाल लेते हैं, सारे सामान तो उसमें बहुत सारा है, बट हमें कपड़े कपड़े ओनली सुखाना है, तो कपड़े निकाल लेते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं हम ये सारे कपड़े निकालने के बाद। खुश लड़की को देखो, गाड़ी चल रही है बाबू की। अभी आएगा तो बोलेगा मौसी तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगा, चलाते हैं। चलो सचना की चल रही है गाड़ी और हमारे मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। सो गाइस, हम लोग निकल आए हैं घर से और आज बता कहाँ जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए, सरोजनी। और यहाँ पे ना कुछ सत्संग वगैरह कुछ चल रहा होगा ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा, हम लोगों को ई रिक्शा भी नहीं मिला। आधे घंटे हम लोग चल के आ गए थे मेट्रो में, फिर जाके हम लोगों को ई रिक्शा मिला, तो फाइनली बैठ गए हम लोग। अब पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से चलते हैं सरोजनी के लिए। तो दोनों जा रहे हैं, हम लोग गाँव से छोड़ के आ गए घर पर। पता है मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोगों ने बिल्कुल एक भी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट हमने ढेर सारी शॉपिंग की है, देखो ये देखो बैग भर लिया हमने इतनी सारी शॉपिंग की। अब हम लोग आ गए स्टेशन पे, तो वेट करें मेट्रो के आने का, घर निकलते हैं एंटर दिखा दें हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। सो ये देखो हमारी मेट्रो भी आ गई, चलिए निकलते हैं यहाँ से। हम बता नहीं सकते हैं, पता है हम एक तो इतना ज़्यादा भीड़ और ऊपर से हमारा कंफ्यूजन, बट कोई नहीं है, फाइनली हम निकलते हैं मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि आने ही पे ना चेंज करना पड़ता है ना, और चलना भी काफ़ी पड़ता है इसलिए। हम बाहर से घूम के आ गए हैं और बहुत तेज भूख लगी है, तो दी ने बेसन के पकौड़े बना रही हैं, और बैगन के पकौड़े बना रहे हैं, उसमें बेसन मिक्स किया है। अच्छा, हाथ के बेसन के और बैगन के। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ बना ली है, ये बैगन कट करके रखा हुआ है और कुछ कढ़ाई में डली हुई है जो कि कुछ तो फूल चुके हैं, और ये चाय रखी हुई है। और चाय और पकौड़े खाएंगे क्योंकि ना हम लोग शॉपिंग करके आए तो काफी थक गए और भूख भी बहुत तेज लगाई क्योंकि हम लोग ना खा के गए थे और हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया ना, तो भूख बहुत तेज लग रही थी। सो हमने सोचा फटाफट से यही बन जाएंगे, बैगन रखे हुए थे लंबे वाले थे, फटाफट से इनको ही बना लिया है। चलिए बस चाय पीते हैं एंड पकौड़े इंजॉय करते हैं। ये देखिए हमारे बैगन के पकौड़े हो गए एकदम रेडी, और थोड़ा सा हमने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है, तो और यम्मी यम्मी दिख रहे हैं पकौड़े विद चाय। हाँ तो फाइव आएंगे, तो फाइव लिखो वहाँ पे। चल कंप्लीट करो होमवर्क अपना। सो गाइस, आज तो काफ़ी ज़्यादा थक गए, शॉपिंग वगैरह हो गई और खाना वगैरह खा लिया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ना वो पकौड़े बनाए हुए थे, और फिर उसके बाद ना ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर खिचड़ी बनाई और वो खा के बस अभी मैं बिस्तर में खा गई हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ लग रही है और थक भी काफ़ी गए हैं। और शॉपिंग में कुछ उसने कपड़े खरीदे, मतलब स्वेटर वगैरह उसको लेनी थी, तो उसने अपने लिए स्वेटर वगैरह ली, और एक दो चीज़ें मैंने अपने लिए स्लीपर वगैरह, जैसे अभी ठंडी आ रही है तो स्लीपर ली। एंड क्या लगा के कहाँ से लगा ली, लगा ली अपने कहीं से लगा ली, कुछ येलो येलो
क्या छुआ था? अच्छा वो बर्थडे वाला वो छू लिया था, उसकी लग गई है छूट के, और रचना भी लेट गई। सो ज़्यादा हमने मतलब कपड़ों में, क्योंकि अभी विंटर आ गई है, सो बस ज़्यादा हमने शॉपिंग कुछ नहीं की, मतलब जो विंटर के कपड़े हैं ना उन्हीं की शॉपिंग की। सॉक्स लेके आए हैं रुदांश को, टोपा लेके आई हूँ मैं। टोपा मैं नहीं पहनता बच्चा। तो कौन पहनेगा? ठंडी लगेगी तो पहनोगे ना। और बाकी के जो घर में पहनने की वाली स्लीपर है ना, जो अभी ठंडी आने वाली है तो उसके लिए तो अभी तो कम है, बट अभी तो और आगे चल के और ज़्यादा होगी। दिसंबर एंड और जनवरी में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। सो बस विंटर वाली जो शॉपिंग थी बस मैंने वही की, और अर्चना अपने लिए लेके आई कपड़े, तो वो भी ठंडी वाले ही कपड़े लेके आई, क्योंकि वो जाएगी अभी हरिद्वार, सो वहाँ पर उसको ठंडी वगैरह ज़्यादा लगेगी, सो वो मतलब उस हिसाब के कपड़े लेके आई है। और इस वीडियो को मैं यही प्लान करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुबह रुदांश को स्कूल जाना है, सो सोते हैं क्योंकि 10 बज रहा है, और रुदांश को भी सुलाती हूँ क्योंकि जब तक मैं जागी रहूंगी तो ये नहीं सोने वाला है। बाय बाय।